हमें नहीं लगता मशकूर मियाँ के रोहेल या आपके बड़े भैया उसी तरह सोचते होंगे जिस तरह की बात आपके जहन में। और बात अगर समरीन की हो फिर तो वो आपकी भी नहीं सुनती, इतना तो जानते हैं ना आप। समरीन को भी उतना ही हक हासिल है जितना कि शम्मो को। समरीन भी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकती है। तो किसने मना किया और कौन मना कर सकता है? मना कोई कर नहीं सकता। समरीन को मेरे अलावा किसी और से इजाजत देने की जरूरत भी नहीं है, और किसी को तहफ्फुज है कहने से पहले सोच ले किससे क्या कह रहा है। मशकूर मियां, रोहेल सारी जिंदगी आपके बहुत करीब रहे, कारोबारी मामलात हो या के जिंदगी गुजारने के तौर तरीके, उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप तो उनकी जिंदगी में एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। जी अब शागिर्द भी उस्ताद को सिखाने चले, खैर मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है कि अपनी औलाद के बारे में क्या सोच रहा हूँ। मशकूर मियाँ, समरीन भी हमारी औलाद की तरह ही है। औलाद की तरह है लेकिन औलाद है नहीं बीजान, यही फर्क है। वरना वो जैसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही है आप उसका साथ देते, ना के एतराज करते। मशकूर मियाँ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा है। बात हमें इख्तलाफात से आगे बढ़ती नजर आ रही है। बात इतराजात या इख्तलाफात की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि समरीन कारोबार करना चाहती है जिसके पैसे मैं दूंगा अपने हिस्से से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो खुद मुख्तार रहे, अपने फैसले खुद करे, मेरी तरह नहीं किसी और के कारोबार में शरकतदार। क्या मतलब है आपका किसी और के कारोबार से? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उम्र भर की रियासत पे पानी फेरने जा रहे हैं आप? पहचान पहचान, अगर इन्होंने हमारे बारे में सोच ही लिया तो इन्हें फैसला करने दीजिए। बड़ी मुश्किल से ख्वाबे गफलत से जगे हैं ये, और हमें अपना मुस्तकबिल नजर आया। मशकूर मियाँ, हम सबको इकट्ठे बैठने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यह बात इख्तलाफात से बहुत आगे बढ़ती नजर आ रही, और अगर ये आगे बढ़ गई तो बहुत गजब होगा जो हम होने नहीं देंगे। आपको हम पीछे नहीं हटने देंगे।